आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given that the frequency of a sound wave produced by an organ pipe is n. At room temperature, if the temperature is increased by the 20 degree Celsius, then the frequency of a sound wave, हमें बोला जा रहा है कि एक जो frequency produce कर रहा है organ pipe, उसकी frequency जो है n है, ठीक है, और room temperature में, वह room temperature मतलब कि 25 degree Celsius में, if the temperature is increased by the 20 degree Celsius, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, हमसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे साउंड वेव क्या होगा बोल के, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग फोर ऑप्शन गिवन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, देन हम लोग इसके ऑप्शंस पे आएंगे। जो ऑर्गन पाइप रहता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माउथ से एयर ब्लो करते हैं, तो इसमें जो है इस तरह से साउंड वेव जो है ये क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ये साउंड वेव इस पे क्रिएट होता है और हमको एक अच्छी सी साउंड सुनाई देती है ड्यू टू पाइप ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं, जो हम लोग को ऑर्गन पाइप दिया गया है उसके लिए हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी गिवन है इसमें एन बोला गया है, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वी है ये स्पीड ऑफ साउंड वेव को डिनोट करता है, एन जो रहता है फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव होता है, ठीक है, और जो लैम्डा होता है वो हमारा वेव लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, किसको डिनोट करता है, वेव लेंथ ऑफ साउंड को डिनोट करता है, और ये जो रहता है ये हमारे ऑर्गन पाइप या फिर ऑर्गन ट्यूब के लेंथ पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, ये ऑर्गन ट्यूब के लेंथ पे डिपेंड होता है। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्गन ट्यूब का तो लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, मीन्स हमारा ये लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रूम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बोला गया कि हम लोग को जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर था, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस था। फिर हमने इसी में क्या किया, जो हम लोग को टेम्परेचर 2 मिला वो उसमें क्या किया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया गया, मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस टाइम पे हम लोग को फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है, रूट ऑफ द टेम्परेचर के। तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, पहले से हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले से देखें तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, वेलोसिटी ऑफ साउंड के, क्योंकि हमारा लैम्डा तो कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।